Hello friends, today's topic is the most important topic in jitna bhi chapters abhi humne kiya. Kyun? Because it starts with you. Abhi tak humne history padha, kisi aur ki kahani humne padhi, but abhi baat kar raha hai aapke bare mein. So you are the center aur aapke immediate कौन है, आपकी फैमिली. वहां से कहां पहुंचते हो आप, फैमिली को छोड़कर जब आप बड़े हो जाते हो, 3 साल 4 साल के, आजकल तो 2-2.5 साल में मोंटेसरी स्कूल शुरू हो गया है, आप पहला कदम बढ़ाते हो स्कूल की तरफ. क्या जर्नी यहां खत्म हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, स्कूल में जाने के बाद आप नए दोस्त बनाते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में नए लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो. आप घर पे आके मम्मी को बोलते हो, मम्मी मम्मी वो दोस्त, मैंने अपना एक, वो मेरा दोस्त है. आप अपना टिफिन शेयर करते हो, आपको अच्छा लगना शुरू होता है. आपके दोस्त ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, आपका दिल एकदम बस खुशी से झूम उठता है. आपके दोस्त ने आपकी बात को नहीं मानी या नहीं सुनी, बहुत दुख होता है. बट क्या कहानी यहीं तक चलती है? नहीं. एक समय ऐसा आता है कि आप स्कूल से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से पास आउट करते हो, और आपके भी दिमाग में ये न्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स, किसी और ने कुछ डिसीजन लिया और वो डिसीजन का प्रभाव आपके जीवन में भी आया. लेट्स से अगर आप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बोला कि नहीं, आप नीचे क्रिकेट नहीं खेल सकते हो इस मैदान में. क्यों भाई, क्यों नहीं खेल सकते हैं? किसी अंकल ने रूल बना दिया एंड इट अफेक्टेड यू. आपको भी लगता कि नहीं ये गलत है, मैं कुछ अच्छा करना चाहूंगा. यस, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बन के बहुत लोगों को फ्री में इलाज करना चाहता हूं मैं. ये सब भावना जो आ रहा है, ये भावना का मतलब क्या? यू आर थिंकिंग फॉर योर विलेज, यू आर थिंकिंग फॉर योर टाउन, यू आर थिंकिंग फॉर योर सिटी, और मे बी यू आर थिंकिंग फॉर योर स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और फॉर योर कंट्री. एंड यस, द सिचुएशन इज नॉट ओनली योर कंट्री. आज का दिन ग्लोबल विलेज है, द वर्ल्ड हैज बिकम वन. वाई ओनली योर कंट्री? आप पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचो ना, कौन रोक रहा है आपको? सोचो. आई विल कॉन्ट्रीब्यूट, आई एज अ ह्यूमन बींग विल कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. ये मोटो होना चाहिए आपका. यस, वन ह्यूमन लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, वन ह्यूमन लाइफ हैज द पोटेंशियल टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड. नहीं नहीं सर, यकीन नहीं होता. अरे, थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब इन्वेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ, एक एक व्यक्ति ने कुछ इन्वेंट किया. आर्यभट्टा, 6th century, he gave the decimal and the zero to the entire world, and yes, he changed the world, he changed the way counting started. So let's come to this chapter. Kuch nahi hai, human beings ke bare mein hai. Kya human being akela rehna pasand karega? Nahi nahi. Kya aapko main agar ek room mein band kar dun to kya aap reh paoge? Nahi reh paoge. Why? Because the nature, hamari andar ka jo swabhav hai, akela nahi rehna chahte hum. हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई और रहे. तो जल्द से जल्द ये चैप्टर शुरू करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बाय नेचर. हमें समाज चाहिए, हमें सोसाइटी चाहिए, हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं. इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लिव इन आइसोलेशन. यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट
ऑन ईच अदर, जब हम बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो इसका मतलब है इंटरडिपेंडेंट, इन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ईगो आ जाएगा कि देखो मुझे किसी की दरकार नहीं है। नहीं, दरकार तो हमें है, मुझे आपकी दरकार है, आपको भी मेरी दरकार है। क्यों दरकार है? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर बेसिक नीड्स। ऐसा नहीं है कि हमें नीड्स नहीं है। एवरी पीपल, एवरी ह्यूमन बींग, दे हैव देयर ओन नीड्स। द नीड टू बी फेल्ट लव्ड, वी ऑल वॉन्ट टू बी लव्ड, वी ऑल वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, वी ऑल वॉन्ट आवर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे एक अच्छा फुटबॉल चाहिए, मुझे अच्छा क्रिकेट गेयर चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए। यस, बेसिक नीड्स है। दस बोथ नेचर एंड नेसेसिटी, इंसान का नेचर, मुझे बहुत पैसा चाहिए, इंसान का नेचर है। मुझे बहुत सारी खुशियां चाहिए, इंसान का नेचर है। मैं नहीं बांटूंगा अपनी सामान किसी के साथ, ये भी इंसान का नेचर है। बट क्या ये नेचर सही है? नहीं, गलत नेचर है। इसीलिए तो मॉरल साइंस के क्लास में समझाया जाता है कि नहीं, बांटो, शेयर। दस बोथ नेचर एंड नेसेसिटी रिक्वायर ह्यूमन बींग्स टू लिव इन सोसाइटी, वरना इंसान अकेला रहता जंगल में। बट हम अकेला नहीं रहना चाहते, हम जंगल में नहीं रहते, हम उस जगह जाके रहते हैं कि जहां पर हमारे जैसे और भी कोई लोग रहे। अगर आपके पापा ने एक फ्लैट खरीदा और बहुत दूर, जहां दूर दूर तक आपको नहीं लग रहा कि कोई बगल में कोई नेबर है, पड़ोसी है, पापा कहाँ ले आए आप हमें? वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी वी नीड टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। अकेले तो बोर हो जाते हैं, चलो कोई सामने में अच्छा पड़ोसी आया है, उसके भी बेटी क्लास सिक्स में पढ़ती है, मैं भी क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, सो मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, कॉमन चीज है बात करने के लिए। ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस, समाज में जब हम रहते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये नहीं कि मैं लाउड म्यूजिक प्ले करूं और मेरे पड़ोस के घर पे बच्चों का एग्जाम है, आई डोंट केयर, ऐसा नहीं होता है। वी ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड परफॉर्म आवर ड्यूटीज। अगर हम एक अच्छे हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो जो खर्च हो रहा है उसे मेंटेन करने का हमारा ड्यूटी बनता है कि यस, उस खर्च पे मैं भी अपना सहयोग दूं। ये नहीं कि नहीं, मैं झगड़ा करूं, मैं लड़ाई करूं, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूं कि नहीं, जिससे मुझे पैसे ना देने पड़े। गलत बात है, अपने ड्यूटी से नहीं भागना चाहिए। बिसाइड्स एंजॉइंग आवर राइट्स, अधिकार तो सबको पता है कि ये मेरा अधिकार है, बट तुम्हारा फर्ज और कर्तव्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, चलो ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, अगर सिंपल वे में अगर बात करना चाहे तो कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेट करना चाहिए सामने वालों के साथ। यस, कई लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कोऑपरेटिव नेचर नहीं हूं, मैं बहुत नॉन कोऑपरेटिव हूं, कुछ बोलते हैं लोग। मैं उन्हें बोलता हूं कि नहीं, आप नॉन कोऑपरेटिव हो। तो ऐसा हो जाता है, मतभेद हो जाता है। मतभेद होना ठीक है, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन से एक आपस में रिस्पेक्ट होना चाहिए। यस, वी कैन अग्री टू डिसअग्री, बट फिर भी अगर वी अग्री टू डिसअग्री, दैट मीन्स यस, देयर इज कोऑपरेशन। बट जो मैंने कह दिया वही सही है, दैट मीन्स कोई कोऑपरेशन नहीं है। सो कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, जब आप समझ जाओगे कि यस इंटरडिपेंडेंस है, दोनों को एक दूसरे की दरकार है, ये अंदर में समझ आने के साथ ही कोऑपरेशन विल कम नेचुरली। बट कुछ लोग घमंड में चूर हो जाते हैं कि नहीं, मुझे किसी की दरकार नहीं है, सबको मेरी दरकार है, वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। और ये क्या है गड़बड़? ऐसा होता है कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप रोना धोना मचा दोगे, आपको लगेगा कि जिंदगी बेकार हो गया है। तो सर्वाइवल के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है कोऑपरेशन, वो है इंटरडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सिविक्स। अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस, वो कहाँ रहते थे, वो कैसे रहते थे? वो एक स्मॉल ग्रुप में रहते थे, इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जंगल में रहते थे। हम क्या नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? नहीं, हम रह रहे हैं सिंथेटिक एनवायरनमेंट में, हम रह रहे हैं कॉन्क्रीट एनवायरनमेंट में, जंगल जैसे, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जंगल बोलना चाहिए, ब्रिक्स मोटर सीमेंट के जंगल में हम रहते हैं। नेचुरल मतलब नेचुरल, जो भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, दैट इज पेड़। इंसान ने बनाया सीमेंट, भगवान ने नहीं बनाया था सीमेंट।
There are few needs and all members of the group followed some simple rules and customs. ये पहले की बात कर रहे हैं, उस जमाने में भी few needs important है ये बात, few needs. आज जितना हम needs के पीछे भाग रहे हैं, पहले के जमाने में उतना नहीं पीछे भागा करते थे. और rules were simple, simple rules and customs. आज rules complicated हो गए हैं, customs के नाम पर आडंबर हो रहा है, business हो रहा है, व्यापार हो रहा है. आगे चलते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ते चला गया, लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज्ड. बिल्कुल सही. तो क्या ये नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने से जिंदगी आसान हो गई? नहीं सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई. नेचुरल लीडर्स बिकेम चीफ्स ऑफ अर्ली ट्राइब्स, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी थी, जिनको लगता था कि यस मैं अच्छा कुछ कर सकता हूं. तो वो पुराने जमाने के जो ट्राइब्स थे, ट्राइब के लीडर बन गए. लीडर मतलब मैं आगे चलूंगा, तुम लोग मुझे फॉलो करो. एंड उसके बाद क्या हुआ, किंग बन गए, राजा बन गए. पहले तो सिर्फ ट्राइबल लीडर थे, उसके बाद राजा. राजा मतलब क्या कि देखो अब मैं राज्य करूंगा, मैं तुम्हें रूल करूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और नहीं माने तो. राजा का बात नहीं मान रहे हो, मृत्यु दंड दे दो इसे. वहां से शुरू हुआ अत्याचार. जब तक आप एक लीडर थे तो आप किसी को दंड तो नहीं दे सकते थे. आप ये बोल सकते थे कि देखो मैं आगे चल रहा हूं, मैं आगे चलने का रिस्क उठा रहा हूं, डेंजर अगर आया तो डेंजर पहले मुझसे टकराएगा. मगर ये जो रिस्क लेने का जो एबिलिटी था एक लीडर का, ही कन्वर्टेड into his advantage at a later time and he became the king. They made rules for the people to follow. Rule किसने बनाया? अब वो राजा जो बना वो ही बोलता कि अब मेरे हिसाब से चलो. कल तक मेरा हिसाब नहीं था, कल तक आप मेरे पीछे थे. मैं आगे था, आप पीछे थे, मगर अब तो मैं आपके सर के ऊपर हूं और आपका मैं अपने पैरों से आपको कुचल सकता हूं. ये बन गया सिचुएशन, मैं बनाऊंगा रूल. दे मेड रूल्स फॉर द पीपल टू फॉलो. टूडे देयर आर गवर्नमेंट्स दैट प्लान एंड फॉर्मुलेट लॉज. आज का बात करें तो आज कौन है? आज वो राजा तो नहीं रह गए, बट आज है वो गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट जो हमारे लिए प्लान बनाते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं. एक चीज है हमारे हाथ में, अगर वो गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा रूल और अच्छा लॉ नहीं बनाए तो 5 साल के बाद हमारे देश में इलेक्शन होता है, उस गवर्नमेंट को उठा के फेंक दो. इन इंडिया सिटीजन्स इलेक्ट द गवर्नमेंट विच अलाउज अस टू इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है हमारा. In civics, we study the ways in which a government works and what we must do to fulfill our duties while enjoying our rights as citizens. Right तो है हमारा, मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा ये अधिकार है. सिर्फ अधिकार की बात मत करो, अपना कर्तव्य का भी बात करो. Tax दो government को, tax दो time पे, tax दो, तब तो government भी आपके लिए कुछ कर पाएगी. Civics की बात कर रहे हैं हम. सिविक्स फोकसेस ऑन द रोल ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स मतलब हम और आप, नागरिक. इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब कौन है? जैसे पहले जमाने में राजा हुआ करते थे, अब वो गवर्नमेंट है. स्टूडेंट्स आर ऑल्सो टॉट अबाउट हाउ पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. अगर आपको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कैसे बन सकते हो? दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. हमारा देश कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम है, ये समझने के लिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा. अगर आपको भी इन फ्यूचर नेता बनना है तो यस, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर आपको नेता बनना है तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा. इट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग सो दैट वी कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. Informed decisions मतलब गलत decision नहीं लेना है, सही decision लेना है, सही information होना चाहिए, तब तो आप सही decision ले पाओगे. हमारा environment कैसा है? The earth is our environment, mother earth बोलते हैं ना, पृथ्वी.
इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स एंड ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर लाइव्स. एनवायरमेंट कैन बी कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स, नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट. एक तो नेचुरल प्रकृति भगवान का बनाया हुआ और एक हम जो बनाते हैं, ये नेचुरल एनवायरमेंट है दोस्तों, ये हमारा बनाया हुआ एनवायरमेंट, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रोड, सड़क. चलिए नेचुरल एनवायरमेंट की बात करते हैं. वी ऑल नो नेचुरल एनवायरमेंट के नेचर, नेचर के साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा. कभी भी देखो, सुबह उठो, जस्ट लिसन टू द बर्ड्स, यू विल फील अमेज्ड. वो फूलों की खुशबू सूंघो, यू विल फील अमेज्ड. समुद्र के किनारे में जाके समुद्र का शोर को सुनो, आह. द प्राइसलेस गिफ्ट्स, कोई कीमत नहीं दे सकते हो दोस्तों, सच एज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा दैट वी फाइंड इन नेचर constitute our natural environment. They play an important role in shaping and molding human life. Yes, हर मिनरल से आयरन बन रहा है, आयरन से क्या क्या बन रहा है, प्लांट से आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं. नेचुरल एनवायरमेंट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग, कहीं माउंटेन है तो कहीं रिवर है तो कहीं सी है. Humans have learned to adapt to their environment, but differences in natural environment results in different human behavior. Yes, कोई इंसान गैंगटॉक में रहता है, पहाड़ी में रहता है तो उसका बिहेवियर, और कोई इंसान शहर में रहता है, सिटी में रहता है, दिल्ली में रहता है, उसका बिहेवियर में differences जरूर होना ही होना है. Human made environment, initially, शुरू शुरू में early humans were completely dependent on nature for their food. बस नेचर से जो मिला, प्रकृति से जो मिला, वही हमारा खाना है, वही से हमें शेल्टर लेना है, एंड एवरीथिंग एल्स दैट दे नीडेड. मगर इंसान के पास ये मिला है जो दिमाग, उसने लगाना शुरू किया अपना दिमाग. स्लोली एंड स्लोली दे लर्न्ड हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. जो एनिमल्स थे उसे भी अपना दोस्त बना लिया, कि ताकि वो एनिमल भी उसके लिए कुछ काम कर पाए, मदद कर पाए. बिल्ड हाउसेज एंड ग्रो क्रॉप्स. They invented the wheel and developed the transport system. This, along with many other human activities, altered the environment. Wheel बहुत important है. Human beings, पहले के इंसान ने बनाया goal, ये wheel बना तो transport आया. आज भी ये wheel चल रहा है, आज भी गाड़ियों में goal wheel ही है. Altered the environment, yes. पूरा का पूरा माहौल change हो गया. Thus, human made environment constitute vehicles, aaj vehicles hai, and built areas such as farms, houses, roads, dams, bridges, etc. Chalo, humne apne hisab se bana to liya, environment apne hisab se bana liya, ab hum baat karenge sangh mein kaise rehna hai, community living ka baat karenge. Since human beings do not live in isolation, they form communities to live together. A community can be defined as a group of people who live and interact among themselves in a common location. एक housing community ये है, एक housing community ये है, ये common location है, ये common location है, बस बात इतना ही सर था. It often refers to a group that is organized around common social values. जिस समाज में हम रह रहे हैं, वैल्यू सिस्टम सेम है. अ कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ सेवरल फैमिलीज. डिफरेंट कम्युनिटीज आर ऑर्गेनाइज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन रिलीजियस, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक टाइज. मैं जैनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी बन जाती. मैं ईस्ट इंडिया का हूं, रीजनल, अलग अलग रीजन का, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं बिहार का हूं, या मैं हिंदी बोलता हूं, मैं मराठी बोलता हूं, तो ये लिंग्विस्टिक टाइज हो गए, अलग अलग कम्युनिटी बन जाती है. जैसे कि अगर अगर आप लंदन में रह रहे हो और समझो कि लंदन में बहुत सारे इंडियंस हैं और वहां एक एक समझ लो कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो वो उन्होंने डिवाइड कर दिया. ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक तरफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ बिहार एक तरफ, हो सकता है ऐसा. चलिए डिस्कस करते हैं कम्युनिटी एट डिफरेंट लेवल्स. अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एट द सेम टाइम.
कम्युनिटी लाइफ कैन बी लिव्ड एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम फैमिली टू नेशन, यस, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। आप अगर एक स्कूल में हो तो स्कूल का कम्युनिटी है, स्कूल में अगर आप साइंस क्लब में हो तो साइंस क्लब के कम्युनिटी में हो, क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट क्लब के भी कम्युनिटी हो, नेशनल टीम में हो तो उसके कम्युनिटी में हो। लुक एट द डायग्राम बिलो टू नो अबाउट दीज डिफरेंट लेवल्स। ये डिफरेंट लेवल हमने आपसे डिस्कस किया था शुरू में। फैमिली के बारे में मुझे नहीं लगना है कि कुछ बताना है, चलो पढ़ लेते हैं। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ अ मेंबर। अबव ऑल इट गिव्स लव अफेक्शन एंड सिक्योरिटी टू एन इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है लव अफेक्शन एंड सिक्योरिटी। अ गुड फैमिली अपब्रिंगिंग हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू इनकलकेट गुड वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टॉलरेंस, पेशेंस, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। बच्चों आप बस सोचो कि क्या आप ऑनेस्ट हो, क्या आप टॉलरेंट हो, पेशेंस है आपके अंदर, रिस्पेक्ट करते हो आप, अंडरस्टैंड करते हो, शेयर करते हो, ओबीडियंट हो और डिसिप्लिन है। बस जिंदगी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अंदर है, विश्वास करो जिंदगी में कभी भी नहीं हार सकते हो आप। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चे देखो कि आपके अंदर क्या मिसिंग है, और अगर एक भी, जैसे गाड़ी में चार व्हील्स होते हैं, अगर एक भी व्हील पंचर हो तो गाड़ी नहीं बढ़ सकती है। तो ये बच्चों मैं बोलूंगा कि ये एनालाइज करके देखना कि क्या व्हील आपका मिसिंग है, और कोशिश करना उस मिसिंग व्हील को मजबूत करो। व्हेन द फैमिली गिव्स यू सो मच इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू बी ड्यूटीफुल। ये ड्यूटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के प्रति ड्यूटीफुल होना जरूरी है। चलिए ये तो हो गया बात ड्यूटी का। ड्यूटी किसके तरफ? टूवर्ड्स योर ओन फैमिली मेंबर्स। अगर आप एक बच्चे हो तो आपका कर्तव्य है अपने दादाजी दादाजी के लिए कुछ करना, मम्मी पापा के लिए करना, रिलेटिव्स के लिए करना। यू मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे योर एल्डर्स। शेयर थिंग्स विद योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हेल्प एल्डर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। मैं नौकर थोड़ी ना हूं, मैं क्यों काम करूं? तो आपकी मम्मी नौकर है, आपके पापा नौकर है, ये गलत भावना है बच्चों। बात करते हैं स्कूल का। फॉर एनी चाइल्ड स्कूल इज एज इंपॉर्टेंट एज द फैमिली। इट इज लाइक अ सेकेंड होम फॉर अ चाइल्ड। इंपॉर्टेंट टाइम आप स्कूल में बिताते हो। द स्कूल मोल्ड द चाइल्ड पर्सनैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका पर्सनालिटी कौन मोल्ड करता है? स्कूल। गिव्स हर और हिम द कॉन्फिडेंस, डेवलप स्किल्स, इम्पार्ट्स नॉलेज, टीचेस हर और हिम टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ एंड कोऑपरेट विद अदर्स। स्टूडेंट्स लर्न टू सोशलाइज एंड मेक फ्रेंड्स एंड इम्बाइब वैल्यूज ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है टीम स्पिरिट। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि अकेले हम नहीं रह सकते हैं, तो ये जब साथ में ही रहना है, कोऑपरेट करना है, इंटरडिपेंडेंट होना है तो क्या जरूरी है, सोशलाइज करना है तो क्या जरूरी है, सोशलाइज करना है तो जरूरी है, इम्बाइब, मैग्नेटाइज करो। क्या चीज मैग्नेटाइज करें? टीम स्पिरिट को मैग्नेटाइज करो दोस्तों, और कोऑपरेशन सीखो। जो आप सोच रहे हो वही हमेशा सही होगा ऐसा नहीं होता है। सामने वाले की भावना को भी समझो, सामने वाले के व्यू पॉइंट्स को भी एक बार समझने की चेष्टा तो करो। विलेज, टाउन एंड सिटी, वेदर, पीपल लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज, दे हैव वेरियस नीड्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सैनिटेशन। इन एडिशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सिटीजन्स में ऑल्सो फॉर्म अ बॉडी बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। याद करो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी जस्ट हमने पढ़ा था चालुक्यास, दे स्टार्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर द बेसिक नीड्स। इन इंडिया, इन इंडियन विलेजेस, पीपल फॉर्म पंचायत टू एग्जीक्यूट लॉज। टाउन्स हैव म्युनिसिपैलिटीज एंड इन सिटीज देर आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू एट सम लेटर पीरियड। थैंक यू वेरी मच।